पंजाब रोडवेज और पनबस के कंडक्टर बेस पर काम करने वाले कर्मचारियों सांझी एशियन कमेटी के वर्करों के ओर से एक रोष रैली चेयरमैन दिलबाग सिंह की अध्यक्षता में की गई। इस मौके पर पंजाब सरकार की ओर से उनकी मांगे ना माने जान विरोध के चलते जमकर नारेबाजी की गई। इस मौके पर प्रधान प्रवीण शर्मा ने बताया कि अगर सरकार ने इनकी मांगों को नहीं माना तो उन्होंने मजबूर होकर अपना संघर्ष और तेज करना पड़ेगा। साड़ी जी हड़ताल हैगी पनबस वर्कर यूनियन की हड़ताल आ जो बंद जो ठेके से भर्ती किए सरकार ने कंडक्टर भर्ती किए हैं और इन ड्राइवर कंडक्टर घट्टो घट्ट 10 साल हो गए भर्ती हुए और सरकार टाल मटोल करती रही है। अज पक्के करा कल करा जो सी टी सी नंबर उन्होंने पक्के नंबर दिए गए और पी नंबर और सी नंबर कर दिए गए वर्कशॉप जो भर्ती कच्ची भर्ती आ और वर्कशॉप के स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है जिदा करके बसा जड़ियाँ ने खड़ी ने बसा चल नहीं रही रूट उत्ते साड़िया जड़िया मंगा ने जिदा करके हड़ताल की गई। पहली मंग यह कि जरा 26/10/2016 जो फैसला आया सगा हाई कोर्ट का बराबर सुप्रीम कोर्ट का बराबर काम बराबर तनखा वो सर तो लागू किया जाए। सरकार ने ना बराबर काम ना बराबर तनखा लागू की हुई है और दूसरा सगा जे बंदे साढ़े भर्ती किए हुए इन्हों ठेके तो कंडक्ट जो किया हुआ वा कंडक्ट तो मर्ज करना पक्के करना सू सरकार ने पक्या नहीं किया। अजे भी 10-10 बंदे कच्चे नौकरी कर रहे हैं और तनखावह बहुत निगुनियां ने 8-8 हज़ार दिखा दी जा रही है। पठानकोट से तहलका हेडलाइंस के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है तहलका हेडलाइन न्यूज और आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं। हमारी मेल आईडी है telkaheadlines.in@gmail.com। अब आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी लाइक कर सकते हैं।